कंगना रनौत पर आज पूरे बॉलीवुड की नजरें टिकी हुई है। जी हां, कंगना पहली बार चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट से मंडी सीट से उतरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुझान में कंगना बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कंगना रनौत मंडी सीट से चुनाव जीतती है तो क्या वो बॉलीवुड छोड़ देंगी? क्या 16 साल का अपना करियर वो पीछे छोड़ देंगी? हालांकि बॉलीवुड की क्वीन तो कंगना रनौत है ही, मगर अब वो राजनीति की भी क्वीन बनने वाली है। मंडी सीट से वो कांटे की टक्कर दे रही है कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान कंगना ने अपना पूरा दमखम दिखाया, यहां तक कि अलग अलग वेशभूषा और फ्लेवर्स में मंडी की जनता से रूबरू हुई। इसी दौरान चुनाव प्रचार में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था कि वो एक ही काम करना चाहती हैं। कंगना रनौत ने कहा था कि मैं बॉलीवुड में पक जाती हूँ, मैं रोल भी करती हूँ और डायरेक्शन भी करती हूँ। अगर मुझे राजनीति में संभावना दिखती है, लोग मुझसे जुड़ते हैं, तो फिर मैं राजनीति ही करूँगी। आइडियली मैं एक ही काम करना चाहती हूँ, अगर मैं मंडी से जीतती हूँ तो मैं राजनीति ही करूँगी। मगर सवाल ये उठता है कि क्या कंगना रनौत अपना 18 साल का करियर दांव पे लगा देंगी? कंगना रनौत के जवाब से लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि अगर वो राजनीति में अपनी पहली पारी जीतती है तो बॉलीवुड छोड़ सकती है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने सिनेमा जगत में गैंगस्टर फिल्म से साल 2006 में अपना डेब्यू किया था। उन्हें इंडस्ट्री में 18 साल हो चुके हैं। इन बीते सालों में कंगना ने 42 फिल्में की हैं और करोड़ों कमाए हैं। कुछ बेहतरीन फिल्मों में तनु वेड्स मनु, मणिकर्णिका और क्वीन शामिल है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस अपनी बयानबाजी के लिए भी काफी ज्यादा जानी जाती है। वो अक्सर पंगा लेते हुए भी नजर आती है। कंगना रनौत भले ही चुनाव जीतने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ना चाहती हैं, लेकिन उनके हिस्से में अभी भी 3-4 फिल्में हैं, जिसमें इमरजेंसी और सीता द इनकार्नेशन का नाम शामिल है। इन फिल्मों को पूरा करने के बाद ही कंगना बॉलीवुड को अलविदा कह सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कंगना सचमुच बॉलीवुड छोड़ पाएंगी? जिस करियर ने उन्हें पहचान दिलाई, क्या उसे छोड़ वो राजनीति की भी क्वीन बन पाएगी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।